हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं विराट कोहली सर का इस वाले ड्राइंग का आउटलाइन किस तरीके से ग्रिड मेथड की मदद से बनाते हैं वो सिखाऊंगा। गाइस, रेफरेंस पिक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से ज़रूर चेकआउट कर लेना। और गाइस, अगर डिस्क्रिप्शन की तरफ जा ही रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी ज़रूर से कर लेना। तो यहाँ पर मैंने, आप लोग देख सकते हो कि ग्रिड बना लिया है। तो चलिए ड्राइंग शुरू करते हैं। तो ड्राइंग हम यहाँ पे शुरू करेंगे विराट कोहली सर की इस वाली, ये जो आई है यानी कि ये जो आई लाइन है, इस आई लाइन से मैं हर वक्त ड्राइंग को शुरू करता हूँ, तो इस बार भी करूँगा। तो पहले मैं देख लूँगा ग्रिड में कि ये आई कहाँ आती है। तो ये आई आती है 4 और 5 बॉक्स की बीच की लाइन से, और नीचे की तरफ 4th नंबर बॉक्स पर है। ग्रिड का नंबर और साइज़ मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दिया हूँ, आप वहाँ से ज़रूर देख लेना। तो मैंने मार्क कर लिया कि किस बॉक्स में आँख आएगा। तो चलिए ड्राइंग को शुरू करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे पहले देख सकते हो कि मैं पहले एक रैंडम लाइन बना लिया हूँ जहाँ से मैं आई की बेसिक स्ट्रक्चर ऐड करूँगा। तो पहले मैं यहाँ पे आईब्रोज़ की तरफ से शुरू कर रहा हूँ। तो पहले मैं एक लाइन क्रिएट कर लिया हूँ जहाँ पर मैं आई को रखूँगा, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा ऊपर एक और लाइन बना लिया हूँ जहाँ पर मैं आईब्रोज़ को रखूँगा। तो पहले मैं यहाँ पे आईब्रोज़ को बना लिया हूँ, और इस तरफ वाला आई जिसको मैंने अभी बनाया है, तो आप लोग अगर देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसको बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये एक कॉर्नर एरिया में है तो यहाँ पे हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। तो पहले मैंने वो वाला आई बना लिया है, और उसके बाद मैं दूसरा आईब्रो बना लूँगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैं रफली बना रहा हूँ, जब मैं ग्रिड की लाइन को इरेज करूँगा तब मैं और भी अच्छी तरीके से यहाँ पे बनाऊँगा ड्राइंग को, और उसके बाद ही मैं कलरिंग करूँगा। तो यहाँ पे मैं रफली सिर्फ ऐड कर रहा हूँ कहाँ पे आई होना चाहिए, आई का शेप क्या होगा, साइज़ क्या होगा। ओके, तो अगर आप लोगों को आउटलाइन ट्यूटोरियल के बाद कलरिंग पार्ट देखना है तो मेक श्योर आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल में रख लेना, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने कब कलरिंग पार्ट का वीडियो अपलोड किया है। वरना आप लोग तो आउटलाइन बना के रह ही जाओगे और मैं वीडियोज़ के ऊपर वीडियोज़ डालता ही जाऊँगा। तो आप लोग मेक श्योर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर से कर लेना। तो आप लोग आगे देखो मैं किस तरीके से ड्राइंग को बना रहा हूँ पार्ट बाय पार्ट। एंजॉय द वीडियो। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैं सिर्फ आउटलाइन नहीं बना रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे शेडिंग कर रहा हूँ, ताकि मुझे जब मैं ग्रिड को इरेज़ करूँ ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे कितना शेडो ऐड करना है, कहाँ पे कितना लाइट रखना है। तो आप भी इसी तरीके से करने की कोशिश करना। तो आप लोग आगे देखो मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, आप भी वैसे ही बनाना। और वैसे भी मुझे इस आउटलाइन को बनाने में कुछ 1 घंटा या 1.5 घंटा जैसा वक्त लगा है, तो आप लोग भी जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, टाइम देना। आप, मेरा लगा है 1.5 घंटा, आपका
पौना घंटा से कम लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो आप जिस वक्त में कंफर्टेबल हो आप उसी वक्त में करने की कोशिश करना। ज़्यादा जल्दबाजी करने की है नहीं, क्योंकि ये एक पोर्ट्रेट है, तो पोर्ट्रेट को हमें मैच करना है ड्राइंग को, तभी मैं हमारा कलरिंग पार्ट में हम लोग अच्छी तरीके से कलर करेंगे तो ड्राइंग अच्छा बनेगा। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ इस ड्राइंग की कलरिंग पार्ट में, तब तक के लिए बाय।